दोस्तों आज इस पृथ्वी पर नीलकंठ की 116 प्रजाति निवास करती है और यह लगभग सभी महादेशों में पाई जाती है। यह दिखने में लाल, पीले, हरे, काले, नीले जैसे कई रंगों के होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिन नीलकंठों को देखते हैं वह असल में तीन तरह के होते हैं, ट्री किंगफिशर, रिवर किंगफिशर और वाटर किंगफिशर। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ट्री किंगफिशर घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। इसे ऊट किंगफिशर भी कहा जाता है। यह पेड़ों या फिर टर्माइट के घरों में अपना घोंसला बनाते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। लेकिन दोस्तों ट्री किंगफिशर को एक बात सबसे अलग करती है और वह यह है कि यह मछलियों का शिकार करने में उतने पेशेवर नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाटर किंगफिशर, जिसे पाइड किंगफिशर भी कहा जाता है, यह एक बेहतरीन डाइवर होते हैं और अपने भोजन के लिए यह मुख्य रूप से मछलियों और जलीय जीवों पर निर्भर रहते हैं। जबकि रिवर किंगफिशर, जिसे कॉमन किंगफिशर भी कहा जाता है, यह नदी किनारे रहते हैं, वहीं मिट्टी या फिर पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और मछली या फिर कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में खाते हैं। दोस्तों शोध से पता चला है कि नीलकंठ की उत्पत्ति इंडो मलायन रीजन में लगभग 27 मिलियन वर्ष पहले हुई। उसके बाद बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे इसका विस्तार पूरी दुनिया में हुआ और आज इसके साइज में लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर के होने वाले अफ्रीकन ड्वार्फ किंगफिशर और ओरिएंटल ड्वार्फ किंगफिशर से लेकर साइज में लगभग 18 इंच और वजन में लगभग 490 ग्राम के होने वाले लाफिंग कुकाबूरा जैसी प्रजातियां शामिल है। दोस्तों अब हम नीलकंठ के जीवन चक्र की प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत नर द्वारा मादा को मिलन की प्रक्रिया के लिए रिझाने की प्रक्रिया के साथ शुरू होता है। लेकिन इसका यह मेटिंग रिचुअल्स अन्य पक्षियों से काफी अलग होता है। नीलकंठ के इस मेटिंग रिचुअल्स के दौरान नर के द्वारा एक मछली का शिकार कर मादा को दिया जाता है। यदि मादा नर के द्वारा भेंट किए गए इस मछली को स्वीकार कर लेती है, उसके बाद नर और मादा के मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन दोस्तों यहां आपको एक बात बता दें कि नीलकंठ की प्रजातियों में नर अपने पूरे जीवन काल के लिए बस एक ही मादा को अपने साथी के रूप में चुनता है। यह जोड़ा ताउम्र एक ही साथी के साथ रहता है। दोस्तों मिलन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नर और मादा मिलकर घोंसले का निर्माण करते हैं, जहां वह अंडे दे सके। घोंसले की निर्माण की यह प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मादा अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर 2 से लेकर 10 अंडे देती हैं, जिसके बाद नर और मादा दोनों के द्वारा मिलकर अंडों को सेने का काम किया जाता है। अंडों को लगभग 1 महीना सेने के बाद इन अंडों को तोड़कर नन्हे चूजे बाहर निकलते हैं और अपने लाइफ साइकिल के दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। अंडों से निकले यह चूजे बेहद कमजोर होते हैं, इनके आंख अभी बंद होते हैं, वहीं यह अभी अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते, जिस कारण से भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए यह अभी अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नीलकंठ अपने शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए रोजाना अपने वजन के 60% जितना भोजन करता है। दोस्तों अंडों से निकलकर लगभग 1 सप्ताह रहने के बाद इन बच्चों के शरीर पर पहला फीडर आना शुरू हो जाता है। इनके आँख भी अब खुल चुके होते हैं और पंजे भी पहले से मजबूत हो गए होते हैं, लेकिन अब भी यह अपनी भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर रहते हैं। दोस्तों एक बात बता दे कि अंडों से निकलने वाले सभी बच्चे विकसित नहीं हो पाते। अपने जीवन चक्र की प्रक्रिया के दौरान यह सांप जैसे जीवों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बचे हुए बच्चे धीरे धीरे फ्लेजलिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं, जब इनके शरीर पर उगे हुए फीडर इनके प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न रंगों के हो जाते हैं और दिखने में यह एडल्ट के समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी यह प्रजनन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। दोस्तों फ्लेजलिंग स्टेज में यह बच्चे उड़ान भरना सीखते हैं और अपने आवास के आसपास के चीजों का मुआयना करते हैं और बीतते वक्त के साथ यह एडल्ट हो जाते हैं। दोस्तों एडल्ट होने से मतलब यहाँ सेक्सुअल मैच्योरिटी को प्राप्त होना है, यानी कि प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम होना। दोस्तों अंडों से निकलकर पूरी तरह एडल्ट होने में नीलकंठ को लगभग 1 साल का समय लग जाता है, जिसके बाद यह अपना भोजन स्वयं तलाशते हैं, अपनी सुरक्षा करते हैं और समय आने पर जीवन चक्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीलकंठ के पैर काफी मजबूत होते हैं, क्योंकि यह अपने दैनिक जीवन का ज्यादातर समय पेड़ की टहनियों पर बैठकर बिताते हैं। वहीं लाफिंग कुकाबूरा नीलकंठ की ऐसी प्रजाति है जो कि किसी इंसान की तरह हंसी की आवाज निकाल सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।